देखो देखो कौन है आया। गांव की ककड़ी का अलग ही स्वाद होता है। नहीं पड़ेगा। गांव का कद्दू उत्तराखंड से। लग रहा है आपको गांव की चीजें आई है हमारे लिए। है गंदर। नमस्कार दगड़ियों, मैं भावना पोखरियाल आप सभी का एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो चलो फिर आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और मैं बता देती हूँ, वैसे तो मैं अभी बाल वाल धो के आई हूँ, लेकिन अभी दोपहर हो रही है। मतलब बाकी सबने तो दिन का खाना भी खा लिया, बस मैं रह रही हूँ। मैं आज अभी अभी नहा के आई हूँ। पता नहीं सुबह से मेरा मूड ही नहीं हुआ, ऐसे ही आलस आ रहा था। एक तो ना अब मौसम थोड़ा ठीक हो गया ना, दो दिन बारिश, मतलब अभी तो आ रखी है हल्की सी धूप, लेकिन बीच में दो दिन बारिश हुई ना, तो तब से मौसम में थोड़ा राहत है। तो बस सुबह से ऐसे मुझे आलस आ रहा था, तो मैंने दिन का खाना वाना बना के उसके बाद मैं चली गई थी। और फिर बाल धोने में तो टाइम लग ही जाता है, तो बस फिर अब चलते हैं। बाकी सबने खाना खा लिया, मैं रह रही हूँ और मेरा गला बैठता है नहाने के बाद थोड़ा, तो अब मैं रह रही हूँ खाना खाने के लिए। तो चलो चलते हैं और खाना खाते हैं। आज खाने में बनी है गाँव की दाल और भात। चलो फिर चलते हैं और भोजन करते हैं ग्रहण शुद्ध हिंदी। मेरा खाना टिफिन में ही रखा होता तो इसी में खा रही हूँ मैं। ये गाँव की दाल है और भात रायता। मम्मी की कौन सी दाल है, इस दाल का नाम क्या है? ये है लोबिया की दाल। तो चलो अब खाना खाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ फिर आपसे। देखो देखो कौन है आया, मूछ पाते चोरी करते। पैर छुओ अच्छे से। नमस्ते नमस्ते। आयुष्मान भव, सदा सौभाग्यवती भव। और अरे कंग्रेचुलेशन फॉर व्हाट, फॉर 1.10 के सब्सक्राइबर। थैंक यू। देखो जरा तो मुंह की छुपा रहे हो आप। आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 1K। अभी तोड़ दिया था हेलमेट। और कैसी रही दिल्ली की ट्रिप? है बढ़िया रही। अभी भी से ज्यादा दिन हो गए ना, इसने कैमरा फेस नहीं किया, मतलब व्लॉगिंग में फेस नहीं किया, वरना रील्स वगैरह तो आप देख सकते हो बहुत, रील्स फोटोज वगैरह, बट व्लॉगिंग में कैमरा फेस नहीं किया इसलिए शायद, बाकी पता नहीं। तो अन्नू तो आ गई और वो तो अभी खाना खा रही है। मैं आपको जब तक दिखाती हूँ क्या लेके आई है। सच में दिल को इतनी संतुष्टि मिल रही है ना वो सब देख के, आपको भी दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये आया है गाँव का कद्दू उत्तराखंड से, और ये ककड़ी, और ये लौकी, और ये अखरोट, और ये हरा नमक, और ये नानी ने दिया है। ककड़ी भी नानी ने तो दिया, और कद्दू भी तो नानी ने दिया। कद्दू एक ककड़ी नानी दिया, एक पता नहीं क्या बोल रही है, बट ये उत्तराखंड की चीज है। ये ढोंसा है, ये ढोंसा है। अच्छा, और ये मौसी ने पीसा है हरा नमक, बहुत ही लाजवाब है बहुत। और ये देखो, वाह मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो ही थैंक यू सो मच, जिनकी भी वजह से हम ये गांव की चीज खा पा रहे हैं, खाएंगे मतलब। मेरी वजह से, मौसी के वजह से। हाँ, और तो चलो अभी थोड़ी देर में फिर देखते हैं और क्या करते हैं। ककड़ी पता नहीं अभी खाएंगे या कब खाएंगे। पंखा चला। तो अभी तक तो ये था भाई, मैं तो पहले क्या, अभी तो अखरोट ही खा सकती हूँ, बाकी ककड़ी तो अभी काट नहीं सकती क्योंकि सभी खाएंगे ना साथ मैं में। पंखा चला थे। चला रहे हैं तो अभी फैन चला लेती हूँ। मैंने ना फैन ऑफ किया क्योंकि वरना फैन की बहुत आवाज आती है। देख लो ये नजारा, गुलाब जामुन। हाँ तो इतने दिन से नहीं हो। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था वो किचमुड़े जाएगी। हाँ ये देखना, इंदुमासी तो सड़ गई, ये भी सड़ रही है, ये देखना। ये देखिए आप, पैन भर गया ये कंदर। मम्मी कैसा लग रहा है आपको गांव की चीजें आई है हमारे लिए? गंदा है, गंदा लग रहा, सड़ा। तो ये तो फ्रेश है, ये तो फ्रेश है। कद्दू भी कल के आ रखे। कद्दू भी, कद्दू
कद्दू नानी ने दिया हुआ है। मम्मी गंदा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि सड़ा हुआ। सड़ गई। अरे कोई बात नहीं मम्मी, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कुछ नहीं होता। सौभाग्य की बात है कि हमें इतना भी मिल रहा है यहाँ रह के बिना कुछ मेहनत करे। जब तक नानी है तब तक मिलेगा, बाकी कोई नहीं देता हमको। तो वही तो, कोई नहीं, भाभी के मायके से भी तो आया है। धन्यवाद भाभी की चाची को भी। हाँ भाभी की चाची ने भेजा ये ककड़ी कह रही अन्नू और ये लौकी, तो उन्हें भी थैंक यू। और मम्मी अभी काट रही है, मम्मी भगवान जी के लिए भी निकाल देना थोड़ी नैना वाण। कट रही है ककड़ी, पहले भगवान जी के लिए। हाँ पहले भगवान जी के लिए नैना वाण, उनके लिए तो ऐसे करके रखना पड़ेगा। हाँ उनके लिए ऐसे करके रख दो। तो मेरे को मिल गया है और अब मैं खा रही हूँ। पहले आप लोग खा लो, आप सब के लिए, ठीक है? मैं भी खा लेती हूँ। मम्मी खाओ। मम्मी ने सबसे बड़ा लिया है। मम्मी की मम्मी ने दिया ना इसलिए, और ऐसे बिंदी भी लगाते थे मतलब ना, जब पहले सीजन में आती थी ना ककड़ी, मतलब जब फर्स्ट ककड़ी तोड़ते थे ना टहनी से, तो तब बिंदी लगाते थे। हमारा तो यही फर्स्ट है। नहीं। नमक कम लगाया था ना आपने? पानी है उसमें, बहुत यम्मी हो रही है। गाँव की ककड़ी का अलग ही स्वाद होता है, और हरा नमक तो फिर लाजवाब। मिलेगा मतलब एक एक ही मिलेगा, बस एक एक ही चरखी, बस वो होता है चिरखी। चिरखी बोलते हैं, चरखी बोलते हैं, जो बोलना है बोल लो। आधी चिरखी और मिल गई मुझे। अब हमारी दूसरी चीज खाने तैयार हो गए हम लोग, अखरोट। कैसा हो रहा है मम्मी? मम्मी को तो ज्यादा वो वाले अच्छे लगते हैं, हरे वाले, जिनका हरा छिलका रहता है, कच्चे वाले ना। अभी ये भी कच्चे से अभी है। हाँ क्योंकि अभी तोड़े गए हैं, अभी इन्हें कुछ ही टाइम हुआ है टूटते हुए पेड़ से, तो अब हम ये खा रहे हैं, खाते रहते हैं हम भी दिन भर। सब खत्म मम्मी, सब खत्म। ये मम्मी वो वाले डायलॉग मार दो, हाथी पेट गोल से फूल, हाथी पेट गोल से फूल गई हो। हाँ पता ही नहीं चला हमें, इतना में हमने खा दिए हो सारे के सारे। अभी आयुष सो रखा है तो उसके लिए रखे मम्मी ने बस दो चार, और बाकी हमने खा दिए। भूसियाँ छाया आप बाकी हमें। अच्छा चलो कोई नहीं, क्या कह रहे हो? हाँ? क्या कह रहे हो? राक्षस। क्या राक्षस? राक्षस थे तू, इतना कूड़ खेलती। मम्मी कह रही है लोग हमें कहेंगे कि राक्षस है। अभी खाना खाया था, उसके बाद ककड़ी पेल दी, और अब सारे अखरोट पेल दिए। कोई बात नहीं, बोल अगर कोई बोलना चाहता है तो बोल देना, ठीक है? कमेंट में सहल हो गए ना, कोई बोलेगा तो नहीं पड़ेगा। तो अब हो चुकी है शाम, और व्लॉग को एंड कर देते हैं। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग आप सभी को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, हमारे गांव की चीजें थोड़ी सी भी अच्छी लगी होंगी, तो प्लीज व्लॉग को लाइक करें, व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चाचा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा।